परम पूजनीय तपाचार्य दुनिया मैया के चरणारविंदों में वंदन करने के उपरांत धर्म प्रांगण में उपस्थित मेरे निज आत्मा एक व्यक्ति जिसे सांप ने काट लिया, विषैला सांप जहर चढ़ना प्रारंभ हो गया। परिजनों ने देखा बच्चे को सांप ने काट लिया, भागे गए। जो जहर उतारने वाला व्यक्ति था उसके पास गए, भाई इसका जहर उतरवा दे, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, फटाफट नीम की पत्तियां लेकर के आओ। नीम की पत्तियां आ गई, उसको खिलानी शुरू की, कहता बड़ी मीठी है, जबकि नीम की पत्तियां क्या होती है। उसे पत्तियां खिलाते जा रही है और वो मीठी मीठी कहता हुआ बड़े आराम से ऐसे खा रहा है जैसे मिठाई खाते हैं, नहीं तो दो चार पत्ते भी खाने क्या हो जाते हैं, खा सकता है। तो उस जहर उतारने वाले गारुड़ी ने कहा, देख जब तुझे कड़वी लगे तो बता देना, नहीं तो खाता जा, आज तेरे को ये नीम की पत्तियों का ही भोजन मिलेगा। उसे नीम की पत्तियां देते जा रही है। खाते खाते शाम को उसने कहा है, कैसी पत्तियां मेरे से खाई नहीं जाती, बहुत कड़वी है। उसने उसी समय उसकी पत्तियां खानी बंद करवा दी और देखा वो नॉर्मल हो गया है, जहर उतर गया। यानी कि जहर को जहर ने मार दिया। आज हमारी स्थिति भी क्या है, संसार खारा है या प्यारा, क्या लगता है, प्यारा है ना। यहां बैठे बैठे तो खा रहा है और घर जाते शाम को जब हम वापिस घर में जाते हैं ना, फैक्ट्री से या दुकान से या ऑफिस में, छोटा सा पोता या पोती आकर के टांगों को पकड़ के कहता दादू काफी, उस समय कितना प्यारा लगता है या खा रहा है, फिर संसार खा रहा है या प्यारा, क्या है अब क्या बोलोगे। बेटा पहली
नौकरी की कमाई ला करके पहली तनख्वाह ला करके तुम्हारे चरणों में रखता है तो क्या लगता है कितना आनंद आता है। उसके सिर को भी थपथपाते हो, पीठ को भी थपथपाते हो, गले से भी लगाते हो, कितना प्यारा लगता है। और वो क्या है, ये हम नीम की पत्तियां खा रहे हैं और हमें संसार के विषय, संसार के सर्प ने क्या लगा करा हुआ है, मैं डंक लगाया हुआ है। ये मोह का डंक ऐसा लगा हुआ है कि ये संसार खा रहा होते हुए भी, परंतु वही बेटा जो पहली तनख्वाह ला करके दी और आपको बड़ा प्यारा लगा, शादी हो गई, बहू आ गई घर में, उसकी पत्नी हो गई, सास बहू की बनती नहीं तो क्या हो जाएगा, उस समय क्या लगता है, अरे क्या क्या अरमान बनाए थे, कितनी कल्पनाएं बनाई थी, बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी, मेरे को खाना बना करके गरम गरम खिलाया करेगी, अब तो बहू ये चाहती है कि मेरे को ही सास बना दे। आता है या नहीं, उस समय संसार खाने लगता है जब प्यारा। तो ये परिस्थितियां इंसान को बदल देती है। एक बहू किसी के घर में नई नई आ गई, सास ने बड़े मल्हार लिए, बड़ा उसका ध्यान रखते हैं, अरे सारी जिंदगी तो इसी ने काम करना है, चलो इसको क्या है। वैसे पंजाब में ये परंपरा भी है कि एक दो महीने तो बहू से कोई काम करवाते नहीं, क्योंकि वो चूड़ा पहना होता है ना, वो कहते हैं अरे क्या है, चूड़े का रंग खराब हो जाएगा, अभी तो बहू को क्या करने दो, चाव मल्हार उसके करती रही। 6 महीने हो गए, बहू सोचती बढ़िया नौकर मिल गया, मजे आ गए मेरे तो। लोग कहते ससुराल में दुख है, ससुराल ऐसी है, तो मेरी तो सास बहुत अच्छी है। 6 महीने के बाद अब बहू ने कोई काम नहीं किया, एक दो बार मांगे, सास ने कह दिया बेटा ये मैं करती हूँ, तुम अंदर का कर लो, थोड़ा थोड़ा अब घर को संभालना शुरू करो। कहती कहती है कहने दे, इस बुढ़िया के बोलने क्या जाते हैं। अब उसने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा, बेटे को कहा बेटा थोड़ा इसको समझाओ, अब तो मेरे को निवृत्त करो, मैंने जो करना था सेवा कर दी, 6 महीने हो गए हैं। उसने भी अपनी पत्नी को कहा देखा माँ का काम करने के दिन छोड़ो, उसने बहुत सेवा कर दी, अब तू तो थोड़ा काम किया कर। फिर भी उसने ध्यान कम दिया। माँ बेटे ने आपस में एक सलाह कर ली, कहते माँ कल तू जब बुहारी देगी ना, घर की सफाई करेगी, मैं आऊंगा तेरे पास। अब वो माँ आंगन के अंदर झाड़ू लगा रही थी और बेटा आया उस टाइम जबकि बहू के उठ के आने का समय था। अब वो बेटा आया, अरे माँ तेरे क्या है, अब भी काम करती रहेगी, हम कहा चाहिए, पकड़ा झाड़ू मैं करता हूँ, ये कचरे बसा। वो कहती नहीं बेटा ये काम तो औरतों के होते हैं, ये तुम्हारे काम थोड़े होते हैं, तुम्हारा काम तो कमाना और क्या है, हमको खिलाना है। नहीं नहीं माँ मैं करूंगा। अब वो दोनों एक दूसरे से झाड़ू क्या कर रहे हैं, खींच रहे थे और वो ऊपर से खटक खटक करती हुई सीढ़ियों से उतरती आई। उन्होंने सोचा आएगी और झाड़ू पकड़ लेगी। वो नीचे आई और उसने कहा अरे माँ बेटा दोनों क्यों झगड़ रही हो, एक दिन माँ कर दिया करे, एक दिन बेटा कर दिया करेगा। उस समय सास को संसार खारा लगेगा या प्यारा है? फिर उस खारे को भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वही संसार प्यारा लग रहा है, वही सब कुछ अच्छा लग रहा है, चलो फिर भी थोड़ी देर बाद कहते कोई संभल जाएगी, अभी नहीं फिर संभल जाएगी। यानी बार बार उस जहर को क्या करते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं, अरे प्रभु के नाम रूपी नीम की पत्तियां खा लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, पता लग जाएगा कि संसार खारा है या प्यारा है। आचार्य मान तुमने क्या है, वो भक्ति का नजारा देख लिया, नहीं तो वो भी संसार में उलझ सकते थे। जैसे राजा ने उसके साथ क्या किया था, व्यवहार किया था, इतनी वेदना दी, इतना नगरी में क्या जंगल से घसीटते हुए नगरी में लेकर के आए, सारा शरीर छिल गया, हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां उन जख्मों के ऊपर बांधी गई, अनुभव करके देखो अपने शरीर पे रोम रोम कांपता है कि वो कितनी वेदना हुई होगी।
परंतु उन्होंने उस संसार को खारा समझ करके उसकी तरफ पीठ कर ली। नहीं ये मेरे कर्मों का, कर्मों का क्या है? अगर कोई आपको ऐसा कष्ट दे या मेरे को दे, उस समय हम कर्मों का भुगतान सोचते हैं? क्या सोचते हैं उस समय? तूने मुझे दुख दिया, तेरे साथ मैं भी ऐसे ही बदला लेके छोड़ूंगा, ऐसा आता है ना? कर्मों का भुगतान नहीं सोचते। भक्ति का वो दिलकश नजारा, अथाह भक्ति का सागर उमड़ पड़ा उनके दिल में प्रभु के प्रति, और समोसरण को वो साकार करके उनके दर्शन कर रहे हैं आदिनाथ प्रभु के। दर्शन हो रहे हैं, केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जा रहा है, देव नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और इंद्र उनकी क्या कर रहे हैं? कल क्या आएगा? उत्कृष्ट स्तोत्रों के द्वारा जो क्या है, सकल वाग में तत्व बोधा, सकल आंगमों के आगम यानी द्वादशंगी वाणी, उन वाणियों के ज्ञान से स्तोत्र जो बने हुए हैं, उन स्तोत्रों से वो क्या कर रही हैं? उनकी स्तुति कर रही हैं। और उस स्तुति को देख देख करके तो वो क्या कहने लगे आचार्य मंत्र, मैं भी किलाहमपी स्तुष्य किलाहमपी, मैं भी स्तुति करूंगा ही, मैं भी प्रभु की क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ इरादा आ गया, मैं करूंगा चाहे मेरे पास शक्ति है या नहीं है। क्या ये भक्ति करने का अधिकार ये वो को ही है? क्या ये भक्ति करने का अधिकार इंद्रों को ही है? नहीं, मैं भी इसका अधिकार प्रयोग करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। इतने में उसे आचार्य मान तुमजी को महसूस हुआ कि मेरे सिर पे किसी का हाथ है, और सिर पे हाथ रख करके कहते हैं, बेटा तू कौन है, तेरा क्या परिचय है? जो कह रहा है मैं आपकी स्तुति करूंगा ही। वो कहता अभी तक तो मैं प्रभु का परिचय कर दे रहा था कि प्रभु क्या है, संसार समुद्र में डूबने वालों की नैया पार करने वाले हैं, और अभी तक तो मैं ये कह रहा था कि प्रभु क्या है, अंधकार को दूर करने वाले हैं, प्रभु की स्तुति इंद्र करते हैं, प्रभु का समोसरण लगता है, और अब ये मेरे से प्रभु पूछ रहे हैं तेरा परिचय क्या है। तो उन्होंने कहा प्रभु आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं, मेरा तो पूरा अंदर का एमआरआई जो है ना वो आपके पास है, एक्सरे भी आपके पास है और मेरा एमआरआई भी आपके पास है। एक्सरे तो क्या देखता है, हड्डी तक ही जाता है, और एमआरआई क्या है, अंदर की नर्व्स तक का भी क्या ले लेता है, पूरा अंदर का जांच कर लेता है। प्रभु आप तो मेरे अंदर के सभी भावों को, मेरे जीवन को जानते हो। मैंने जिंदगी के अंदर कितने पाप किए, कितने कर्म किए, कितने जन्म मरण किए, ये सब प्रभु आप तो जानते हो, फिर मेरा परिचय पूछ रहे हैं। कहां कहां बटके वो अब तक और कहां बटकोगे, कहां कहां बटके वो अब तक और कहां बटकोगे, बहते बहते कहां आ गए और कहां अटको, झूठी चतुराई में अब तक कितने अपने खेले, नाम प्रभु का ले ले, हाँ नाम प्रभु का ले ले। प्रभु मैं कहाँ कहाँ भटक के आया, निगोद में गया, निगोद से फिर मैं केंद्री बेंद्री तेंद्री चिरिंद्री पचिंद्री त्रेंच पचिंद्री मृष पचिंद्री
और कहां कहां की मैं यात्रा करके आया, मेरे जीवन को आप जानते हो। और अब आपने मेरा परिचय पूछ ही लिया है। आपसे कोई आपका परिचय पूछे तो मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा घर वहां, मैं इंदौर का रहने वाला हूं, मैं गुमास्ता नगर का हूं, गर्दन नमस्कार का हूं, यानी कि कितना परिचय दे दोगे। परंतु वो कहते हैं मैं क्या परिचय दूं, कौन से ऐसे पाप है जो मैंने नहीं किए। अब वो अपना परिचय और कैसे दे रहे। प्रभु मैं कौन हूँ जो आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूँ। बुद्धा बिना भी मैं बुद्धि के बिना हूँ। बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। बुद्धा जो बुद्ध को प्राप्त हुए हैं, यानी वो ज्ञानी है, परंतु मैं तो क्या हूँ, बुद्धा बिना भी मैं ज्ञान से विभुधार चित्त पाद पीठ। विभुद विशिष्ट जनों के द्वारा, और यहां पे देवताओं का अर्थ दिया। अर्चित पाद पीठ, पाद पीठ जिसपे पैर रख करके ऊपर चढ़ा था, उस पाद पीठ की जिसकी अर्चना देव करते हैं, विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति करते हैं। और मैं बुद्धि के बिना, मैं ज्ञान के बिना स्तोतुम स्तुति करने के लिए समुद्यत तैयार हो गया। एक तो उद्यत होता है, उद्यत मैंने भी तैयार होना होता है, परंतु समुद्यत मैं विशेष प्रकार से तैयार हो गया हूँ। मेरे पास ज्ञान नहीं है, और आपके तो सिंहासन की भी पूजा देवता करते हैं। अर्चित मतलब पूजा, आराधना, साधना, अर्चना, उपासना, आपके सिंहासन की आराधना, अर्चना, उपासना देव करते हैं, विशिष्ट जन करते हैं, ज्ञानी करते हैं। और मैं बुद्धा बिना भी, मैं बिना ज्ञान के हूँ, मैं बिना बुद्धि का हूँ, मैं बिल्कुल क्या हूँ, मूर्ख हूँ, फिर भी मैं समुद्यत, मैं तैयार, अच्छी प्रकार से तैयार हो गया हूँ, यानी मेरा इरादा मजबूत हो गया है। मतिर विगत, मतिर बुद्धि, मैं बुद्धि से रहित हूँ, वो बुद्धिया यानी ज्ञान से रहित हूँ। यहाँ पर मैं क्या हूँ, बुद्धि से रहित हूँ, मेरे पास बुद्धि भी नहीं है। जहाँ बुद्धि नहीं वहां ज्ञान भी नहीं है। विगत यानी बुद्धि से रहित हूँ। और सबसे मेरा क्या है, एक परिचय है त्रप, और मैं क्या हूँ, त्रप को मतलब लज्जा से रहित। मैं तो बेशरम हूं, शर्म भी नहीं है मेरे में, मेरे पास लज्जा भी नहीं है। मैं बिल्कुल लज्जा रहित हूं कि मेरे को आता जाता तो कुछ नहीं, परंतु फिर भी मैं आपकी अर्चना करने के लिए तैयार हो गया, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया। ये मेरे क्या है, तीन परिचय है। कौन से तीन परिचय? एक ज्ञान से रहित हूं, दूसरा बुद्धि से रहित हूँ, तीसरा लज्जाहीन हूँ, फिर भी मैं समुद्यत तैयार हो रहा हूँ। मेरी स्थिति वो है, बालक विहाय, टाइम हो गया, चलो ये लाइन पूरी कर देते। बालक विहाय जल से स्थित, बालक को छोड़कर, बालक बालक को विहाय छोड़कर, जल संस्थित, जल में क्या है, जो स्थित चंद्रमा है, बिंदु बिंब, यानी बिंदु इंदु, इंदु का मतलब चांद, बिंब मतलब उसकी परछाई, जो पानी में चांद की परछाई पड़ती है, यानी जल में स्थित जो चांद का बिंब है, उसे बच्चा छोड़, एक बच्चा माँ कहती, बच्चा रो ना, वो देख चंदा, वो देख चंदा मामा, तो वो बच्चा कहता मुझे ये चंदा मामा ही चाहिए।
मुझे ये चांद भी चाहिए, तो वहां कैसे चांद देती है, पानी में उसे दिखाती है ये चांद ले ले, तो वो सच में चांद पकड़ा जाएगा। तो वो कहता है बालक भी आए बच्चे को छोड़ करके, कौन ऐसा है मन्या का इच्छति, कन्या कौन इच्छा करेगा, बालक भी इच्छा कर सकता उस चांद को पकड़ने की, कन्या का इच्छति कोई और इच्छा नहीं करेगा, जनर यानी कोई लोग कोई इच्छा नहीं करेंगे, सहसा ग्रहितम अचानक पकड़ने के लिए, सहसा एकदम ग्रहितम पकड़ने के लिए, बच्चे को तो चांद दिखाया थाली के पानी में, वो थाली में हाथ मारेगा, परंतु आप मारोगे या मैं मारूंगी, कोई नहीं मारेगा, एकदम बच्चा ही सहसा ग्रहितम सहसा पकड़ने के लिए तैयार होगा। तो प्रभु मैं वीर इंद्रों को जन मोक्ष केवल ज्ञान कल्याण को मनाते मनाते देख करके मैं भी क्या हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ कि मैं भी आपकी स्तुति करूंगा ही करूंगा, ये मेरा परिचय है। आगे वो अब तो वो दोनों का परिचय हो गया कि आप कौन है और मैं कौन हूँ, अब वो दोनों का मिलन दिखाना है, दोनों का मिलन यानी प्रभु का और उस अंतिम आचार्य का कैसे मिलन होगा, ये आप सुनेंगे पता चलेगा हमारे तप जप के क्रम में, नंकार महामंत्र की ज्योति का प्रकाश जो घर घर में वो ज्योति प्रकाशित हो रही है, तेरा तेरा घंटे का जाप बहुत अच्छी तरह, मेरी बहने आकर के कहती मां साहब मेरे घर में बहुत अच्छा जाप हुआ, बहुत आनंद आया, और जिन्होंने अभी आनंद आनंद सुना, साड़ी कोई लिया है ना अच्छी, तो घर जाके मांग करेंगे मुझे भी ऐसी लेनी है। हमारे संघ के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बसंत तिलाजी साहब बरड़िया, अध्यक्ष बनना बहुत सरल है लेकिन अध्यक्ष को कैसे निभाया जा सकता है उसकी मिसाल है अपनी पुत्र वधू जिनके आज आपके पास है, हम उनके तपस्या की अनुमोदना करते हैं, सुख साता पूछते हैं। अब मनीषा जी आपके पास तक आज आ ही गए हैं, हम सब इतनी जोर से भावना करें कि कल जब वो पालना करने का मन बनाए तो उनको लगे उनको लगे कि मेरे ससुर जी संघ के अध्यक्ष हैं और मैं इस चातुर्मास का पहला कलश कैसे चढ़ाऊं। यदि जैन शासन माता इतनी शक्ति दे तो हमारे सबकी मंगल कामना है कि वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो और उस विशाल भट वृक्ष को धारण करें जो जैन शासन का श्रृंगार है और जो बहुत कम लोगों को मुश्किल से मिल पाता है। मैं आपका आपकी तप की अनुमोदना का पश्चिम क्षेत्र के समस्त संघों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपकी सुख साता पूछता हूं। निश्चित रूप से महासती जी के अपने तप का प्रभाव है, हमने विगत कई वर्षों में देखा है कि कहने के बाद भी एक आयम भी तो ठीक है, हम दो घंटे के पचकान करने में भी अपने आप को ससमर्थ समझते हैं, ऐसे समय में पांच पांच सात सात ग्यारह ग्यारह लोग आयम बिल व्रत को धारण कर रहे हैं, ये हमारे संघ का आपकी वजह से सौभाग्य है, ये सौभाग्य निरंतर वृद्धि करता रहे ऐसी मंगल कामना और ऐसा आशीर्वाद आप श्री से चाहते हैं।